हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सोशोलॉजी का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था सामाजिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो उसी के अंतर्गत आपको सामाजिक परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जैसे रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी सिद्धांत इन सभी के बारे में पढ़ना होगा तो चलिए देखते हैं कि इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लाइक कीजिए अपना कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन दो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों तो सामाजिक परिवर्तन के ये दोनों ही सिद्धांत है रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत समाजशास्त्र सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को तीन भागों में बांटा गया है उद्विकासीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत और संघर्षवादी सिद्धांत या संघर्ष सिद्धांत सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए प्रकारवादीय सिद्धांत यानी जो फंक्शनल थ्योरी होती है वो भी एक प्रमुख सिद्धांत है लेकिन इस सिद्धांत से मात्र इतनी ही जानकारी मिलती है कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को जितना अच्छा विश्लेषण उद्विकासीय चक्रीय एवं संघर्ष के सिद्धांतों के जरिए होता है उतना प्रकारवादी सिद्धांतों के माध्यम से नहीं होता है ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है उन्होंने इसकी उत्तर कुंज विकल्प ए माना था जबकि इसको फिर संशोधित करके इसको डी माना गया था ठीक है हम लोग क्योंकि दोनों ही जान रहे हैं यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने के लिए दिया गया है जैसे लेखक है और इनका जो सिद्धांत है उनका जो परिप्रेक्ष्य है उसको दिया गया है जैसे सोरोकिन डेहर एंड स्पेंसर और दुर्खिम महोदय तो सो सोरुकि जी का हो जाएगा चक्रिय सिद्धांत ठीक है डेहरांड का द्वंद्वात्मक स्पेंसर महोदय का हो जाएगा विकासवादी और दुर्खिम जी का हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत ठीक है इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एकदम रट लीजिए अच्छे से प्रकार से इसको याद कर लीजिए इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का जो विचार है दबाव सिद्धांत पर आधारित है मतलब सामाजिक परिवर्तन का जो दबाव सिद्धांत है वो रॉल्फ डेहरेड्रफ जी के पर आधारित है उन्होंने माना है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है वो शक्ति का सोपान क्रम होता है समाज शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता है यह लोगों को सामाजिक नियमों एवं कानूनों में बांधकर समाज के अनुरूप एवं एक मता पैदा करता है अर्थात समाज में अनुरूपता एवं एक मतता स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होता है बल्कि उत्पीड़न से पैदा होता है ठीक है डेहरन डॉफ्ट जी के अनुसार शक्ति और सत्ता यानी पावर और ऑथोरिटी प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता होती है इसके अभाव में हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं यह सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यक शर्तों में से भी एक है इसलिए बोला जाता है कि जो सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक पूर्व शर्तें भी इसे कहा जाता है पर सत्ता का जो बंटवारा है वो समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं होता है चूँकि हर कोई सत्ता को अधिक से अधिक हथियाना चाहता है इसलिए समाज में जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिलता है हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के उद्विका सिद्धांत से जुड़ा नहीं है इनमें से कौन से जो चार सिद्धांत कार में से कौन सा जुड़ा नहीं है तो इस हर्बर्ट स्पेंसर है तो आपके स्पेंगलर महोदय जुड़े हुए नहीं है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर कार्ल मार्क्स टाइलर ये सब उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हैं जबकि जो स्पेंगलर वो चक्रिय सिद्धांत से जुड़े हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा विषम है तो आपका क्या बोला जाए सामाजिक परिवर्तन के विचारकों में से कौन सा विषम है जूलियन स्टेवर्ड अगस्त कॉम्त काल मार्क्स सोरोकिन तो जूलियन स्टीवर्ट और अगस्त कॉम्प्ट सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है जबकि जबकि जो काल मार्क्स है वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से और सोरो जो है वो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है ठीक है तो जूलियन स्टीवर्ड और अगस्त कॉम्प किससे हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हुए इसको आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है किस पे बल देता है सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत तो वो एक कारक पर बल देता है सामाजिक परिवर्तन जो उसके अनेक कार्य हैं जबकि सामाजिक परिवर्तन के किसी एक कारों को मानते हुए उसकी व्याख्या की जाती है तब इसे निर्धारणवादी कारक कहते हैं इस कारक के समर्थन में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है निर्धारणवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या निर्धारणवादी सिद्धांत बोला जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा जा, जा रहा है कि कार्यस्थल पर मान लीजिए किसी जगह कार्य काम किया जा रहा है वहाँ पे महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया कि कार्यस्थल पर महिलाओं से उत्पीड़न ये सब नहीं चलेगा तो वो 2013 में आया था ठीक है वो इसमें में आया था इस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता के मूल अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एंड 21 में दिया गया है का उल्लंघन है और ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है हमारा क्वेश्चन नंबर एट पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया था तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था किंतु संघर्षवादी सिद्धांत कार्ड के नाम से उन्हें जाना जाता है जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने, ने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है उन्होंने समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया है ठीक है उन्होंने उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा जा रहा है कि कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है इसमें संघर्ष स्थायी गुण मतलब बोला जा रहा है कि जो समाज है उसमें आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहता है आप हड़प्पा सभ्यता कोई भी सभ्यता से लेकर अभी तक का जो आधुनिक समाज है उसमें देखिएगा कि संघर्ष विद्यमान है तो यह संघर्ष उपागम है और संघर्ष उपागम यह मतलब समाज में जो है वो निरंतर परिवर्तन होते रहता है क्वेश्चन नंबर टेन पूछा जा रहा है कि संघर्ष सिद्धांत को कारों का है कौन सा ये मतलब यहाँ पे आपके तीन तीन जो समाजशास्त्री हैं तो उनमें से मार्क्स रेजन होफर डेहरन डॉफ ये सब संघर्ष सिद्धांत कारों से जुड़े हुए हैं ठीक है बाकी जो हैं वो संघर्ष सिद्धांतकारों से जुड़े वे नहीं हैं सीमेल पार्सन्सर इस प्रकार से अब देखिए हम लोग यहाँ पे सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन को देते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा उद्विकासीय सिद्धांत ये किसके अंतर्गत है तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए कि सबसे पहला कौन कौन हो सा होगा फिर कौन सा फिर कौन सा इस प्रकार से तो आखेट चारागा कृषक औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज ठीक है जटिलता के अनुसार इसका सही क्रम होगा इसको आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समाज के विकास का जो सही क्रम है उसमें आखेट चारागा कृषक औद्योगिकी तथा उत्तर औद्योगिक समाज आएंगे और समाज के जो क्रमिक परिवर्तन में ये चार प्रमुख स्रोत हैं खोज आविष्कार प्रसार और आंतरिक विभेदीकरण क्वेश्चन नंबर टू पूछा जा रहा है कि निम्नांकित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है मतलब सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपके चार तीन तीन क, चार ऑप्शन दिए हुए हैं तीन तीन सिद्धांत कार्य को नेम दिए हुए हैं तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा किस इस उद्विकासीय सिद्धांत को भलीभांति भांति स्पष्ट करने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है रेखी और बहुरेखीय रेखी सिद्धांत के प्रमुख प्रेरणताओं में इसके श्रेणी अगस्त कॉम्ट कॉम्प्टमार्क सर्वस डिस्पेंसर एल एच मार्गन एल टी हब्स हाउस आ जाएंगे एंथोनी गेटिंग्स ने बताया कि उन्नीसवीं सदी के सभी उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक उद्विकास के एक रेखीय सिद्धांत में विश्वास रखते हैं समाजशास्त्री आगमन ने अपनी रचना में उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है जूलियन स्टेवर्ड ने बहुरेखीय उद्विकास को एक वास्तविकता के साथ साथ पद्धति भी मानते हैं उनका मानना था कि भिन्न भिन्न समाजों के विकास का जो क्रम है वो भिन्न भिन्न रहा है लेस्ली वाइट ने भी संस्कृति के अलग अलग पक्षों की चर्चा की है उनके अनुसार संस्कृति के विचार धारात्मक सामाजिक प्रौद्योगिकी भावनात्मक पक्षों में से एक रफ्तार और अनुपात में परिवर्तन नहीं होते हैं बड़ोखीय सिद्धांत की, की प्रेरणेताओं के में गार्डन चाइल्ड लेस्ली वाइट जे एच स्टेवर्ड विलियम एफ आर्गमन आदि हैं इन लोगों ने ये बहुधा नव विकासवादी कहा जाता है आज जो बहुरेखीय उद्विकास के सिद्धांत के प्रखर समर्थकों में टालकट पार्सन्स का नाम सबसे आगे आता है देखिए उद्विकासीय सिद्धांत का जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है मतलब यहाँ पे विचारकों के समूह में कौन सा समूह जो है वो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है तो कौन हो जाएगा अगस्त कॉम्ट हर्बर्ट स्पेंसर और कार्लमार्क्स ये रेखीय सिद्धांतकार के अंतर्गत आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर पूछा जा रहा है कि एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है तो स्वच्छ संभोग बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह और एक पत्नी विवाह ये सही है ये चरणों का जो उल्लेख है ये सही है और बेकोफर ने परिवार के उद्विकासी अवस्था में निम्न चरणों का उल्लेख किया है जैसे पहला उन्होंने बताया है कि परिवार की प्राथमिक अवस्था तो इस अवस्था में यौन संबंध के नियम अत्यंत ढीले ढाले रहते हैं परिवार की जो दूसरी अवस्था होती है इस अवस्था में कन्या वध के प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या कम हो जाने से बहुपति प्रथा का विकास हुआ तीसरी अवस्था में शिकारी और पशुपालन अवस्था से देश की समाज की किसी अवस्था में आया तो सदस्यों से ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी फलस्वरू कन्या बंद बंद हो गया जैसे ज़्यादा महिलाएं हो गई तथा तो बहुपत्नी विवाह का विकास हुआ और चौथी जो अवस्था थी इसमें परिवार की चौथी एवं विकसित अवस्था में बहुपति और बहुपत्नी पत्ना प्रथा को छोड़कर एक विवाही प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है किस अवस्था में तो परिवार की जो चौथी अवस्था है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा जा रहा है कि मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाओं जंगलीपन बड़बड़ता एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया किन के द्वारा तो ये जो चिन्हित किया गया एल एच मार्गन जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की जो चर्चा है अपनी पुस्तक एंशियन सोसाइटी में की थी कब की थी तो एटीन में की थी कब की थी एटीन में मार्गन महोदय ने इसके संदर्भ में चर्चा की थी उन्होंने तीन मुख्य स्तरों का उल्लेख किया था कि जो उद्विकास का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है अरण्य या जंगली स्तर पर बड़बड़ स्तर पर एवं सभ्य स्तर पर तो प्रथम जो स्तर है उन्होंने पुनः उसके तीन उप स्तर भी में बाँटा है जैसे प्राचीनतम या निम्न मध्य एवं उच्च स्तर इन उप स्तरों के साथ साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियां उपकरण सामाजिक संगठन आदि को भी सम्मिलित किया।, किया है और कहाँ किया है तो अपनी पुस्तक एंशियन सोसाइटी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किसने लक्षित किया है कि मानव समाज तीन चरणों यथा जंगलीपन बड़बड़पन एवं सभ्यपन से होकर होकर गुजरा है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन ही है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि जंगलीपान बड़बड़पन और सभ्यपन से होकर किनके किों ने इसके बारे में बात की है तो वो मार्गन महोदय हो जाएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के विकास की तीन अवस्थाएं अरण्य अवस्था बड़बड़ अवस्था, बड़ अवस्था और सभ्य अवस्था ये किस विद्वान ने बताई है तो ये हो जाएगा आपका मार्गन महोदय ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थान अवस्था में संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है तो ओसवाल स्पेंगलर महोदय ने स्पेंगलर महोदय ने आठ विभिन्न सभदाओं को उद्विकाशीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो उनके व्यक्तिक सिद्धांत पे आधारित है उससे वे काफ़ी प्रभावित हैं उन्होंने अपने विचार निराशावादी चिंतन पर आधारित उन्होंने माना है उन्होंने विकास को संस्कृति और पतन की स्थिति को सभ्यता कहकर पुकारा है स्पेंगलर महोदय ने किसी संस्कृति का जीवन लगभग एक वर्ष का होता है ये माना है हैं क्योंकि पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका उदय लो उदय जो है वो नौ सौ ईस्वी के आसपास हुआ है इसलिए उनका मानना था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है पतन के अंतर्गत आ गई है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चक्रीय सिद्धांत से रिलेटेड कि सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है ये किससे संबंधित है तो ये पेरेटो और सोड़ोकिन महोदय से संबंधित है कौन सा सिद्धांत तो चक्रीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत के जो समर्थक है वो प्रकृति में सदा होने वाले चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित रहे हैं उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया में चक्रीय होती रहती है उन्नीसवीं बीसवीं सदी के विद्वान इस बात की पुष्टि की है उन्होंने समाज एवं संस्कृति एक सर्पल गति से घूमते हुए बताते हैं विको पेरोटो स्पेंगलर सोडोकिन टाइनबी ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे तो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर वे स्पष्ट करते हैं कि समाज में जो परिवर्तन का क्रम है वो सदा चक्रीय रूप में होता रहता है जैसे मैंने आपको राजनीति को उदाहरण देकर भी बताया था कि किस प्रकार से राजनीति के अंतर्गत भी चक्रीय सिद्धांत आपको देखने को मिलता है उनके अनुसार जो सभ्यता का जन्म होता है वो विकसित होता है उनकी चरम स्थिति पर पहुंचती है फिर वहां से वो पतोन्मुख स्थिति में पहुंचती है ठीक है तो जो सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत है वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है तो परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है इससे कौन रिलेटेड है पेरोटो स्पेंगलर और टाइनबी महोदय कौन हो जाएंगे पेरोटो स्पेंगलर और टाइनबी महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सिद्धांतिक के परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है मतलब बोला जा रहा है कि समाज जो है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था तो गुजरता है उसको क्या बोला जाता है तो उसको कौन कौन सा सिद्धांत बोला जाता है चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत तो बोला जाता है क्योंकि चक्रीय मतलब चक्र सर्कल तो उसमें जो ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा जो नीचे आ रहा है फिर वो ऊपर जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ने है कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धन किनके द्वारा दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, में बिल्फर पेडो ने अभिजन की परिभाषा को अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि प्रत्येक काल तथा समाज में सामान्यतः तो दो प्रमुख वर्ग हमें देख सकते हैं एक उच्च वर्ग हो गया और जिसको अभिजन बोला दूसरा निम्न वर्ग जिसको अभिजंतर बोला जा रहा है ठीक है तो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनके हाथों तो में शक्ति एवं सत्ता होती है वे प्राय समाज के शासक के रूप में होते हैं पेडोटो तो ने इसी विशिष्ट उच्च वर्ग को अविजन या अभिजात वर्ग कहा है यह वर्ग जो होता है स्थानीय होता है बल अपितु इसके अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आ जाने की प्रक्रिया चलती रहती है ठीक है तो निम्न वर्ग होता है वो कभी कभी ऊपर जाता है जो उच्च वर्ग होता है वो कभी नीचे आता है तो हम कह सकते हैं निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं जो वर्ग आज अभिजात है वो अपनी असफलताओं और अपने अवगुणों को के कारण अपने गुणों को खोकर कभी कभी निम्न वर्ग में भी आ जाता है और जो निम्न वर्ग अपनी चतुर्ता कुशलता के कारण अभिजात वर्ग में आ जाएंगे तो इसलिए ये जो सिद्धांत है पर्यटों का अभिजनों का परिभ्रमण का सिद्धांत नाम दिया गया है परिभ्रमण मतलब चक्र घूमना ठीक है परिभ्रमण का मतलब होता है घूमना अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि पेरेटो की तरह ही अनेक और भी जो विद्वान थे जैसे मोस्का माइकल्स ने भी एलियट शब्द का प्रयोग किया है पर इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट वर्गीय कुलीन तर्थ के अर्थ में किया है पेरेटो ने इलियट शब्द का प्रयोग दो अर्थ में किया है बृहतर एवं संकीर्ण अर्थ में बृहत्तल अर्थ में विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र समाज में सबसे आगे होते हैं उसे पेरोटों ने संभ्रांत वर्ग की श्रेणी में रखा है जैसे कुशल या विख्यात लेखक कलाकार डॉक्टर वकील प्रोफेसर वैज्ञानिक ये सब और संकीर्ण अर्थ में विशिष्ट वर्गों से पेरोटों का तात्पर्य मात्र जो साहसिक वर्ग से हो देख के रूप में इसको देखा जाता है ठीक है इसको याद रखिएगा पेरेटो की जो इलियट का सिद्धांत है उसकी तुलना मार्क्स के प्रभुत्व या शासक वर्ग या डोमिनेंट और रूलिंग क्लास से की जा सकती है पेरोटो ने शेर एवं लोख लोमड़े की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है मैक्यू वैली में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन के परिपेक्ष में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने विकसित किया है तो परिवर्तन के जो परिपेक्ष में अभिजात वर्ग का परिभ्रमण वेलफेयर पेरोटो ने प्रस्तुत किया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है तो वही आपका वेलफेयर पेरोटो हो जाएगा फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है पेरोटो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास कुलीन तंत्रों की कड़बग्राह है यह कथन किसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है एकदम आप लोग इसको बगल में इम्पोर्टेंट लिख कर रख लीजिए कि इतिहास जो कुलीन तंत्रों का कबराह कहा है यह पेरोटो ने कहा है कि उनका मानना था कि लोगों का जो सासी संभ्रांत वर्ग है से गैर शासी संभ्रांत वर्ग और गैर शास्त संभ्रांत वर्ग से शासी संभ्रांत वर्ग में जाना एक अवश्यम भावी प्रक्रिया है परिभ्रमण की गति और मात्रा हर समाज में अलग अलग समय में अलग, अलग अलग पाई जाती है पर परिभ्रमण जो है वो ऐतिहासिक यथार्थ है इसलिए तो पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में कहा है कि हिस्ट्री इज ए ग्रेव यार्ड ऑफ एरिस्टोक्रोसिस ठीक है इतिहास कुलीन तंत्रों की है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंटियर वर्ग अवधार की अवधारणा किन के द्वारा प्रस्तुत किए देख रहे हैं ना कितने नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरेटो आर्थिक क्षेत्र में लोमड़ी और शेर संभ्रांत वर्ग में पाए जाते हैं पर्यटन शेर को निश्चित आय वाला व्यक्ति या रेंटियर माना है क्योंकि वे लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और एक निश्चित आय के आधार पर वो चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं दूसरी तरफ जो लोमड़ी होते फॉक्सस होते हैं को सटोरिया कहा गया है स्पेकुलेटर्स वे लोग अपने आप को बड़े बड़े उद्योगों में लगाते हैं कहीं अधिक से अधिक आमदनी के लिए कोई भी अनैतिक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं वो सारे जोखिम उठाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके क्वेश्चन नंबर तीन पूछा जा रहा है कि पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से लोमड़ी किस किस्म के अभिजनों का उदाहरण है तो लोमड़ी जो है ये किस्म किस्म का उदाहरण हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बोलिए क्या उनका उदाहरण हो जाएगा तो राजनीतिक लोकतंत्र का हो जाएगा पेरोडो ने अपने परिभ्रमण के सिद्धांत का विश्लेषण शासक वर्ग तथा गैर शासक वर्ग के संदर्भ में किया है इसे किनलॉक ने भी स्वीकार करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि परिभ्रमण हमेशा लाइन एलिट्स एवं फॉक्स एलिट्स के बीच होता है पेरेटो ने बताया कि संभ्रांत वर्ग को व्यक्ति गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है जैसे शेर लोमड़ी ज्ञात हो कि पेरेटो ने जो शेरों एवं लोमड़ी की अवधारणा को दी है वो मैक्यूबोली से लिया है पेरेटो के अनुसार लोमड़ी में प्रथम श्रेणी के प्रेरक होते हैं और उनकी प्रधाना होती है जिन लोगों में वे वैसे प्रेरकों की प्रधानता होती है कि वे लोग योजना बनाते हैं और तोड़ तोड़ कर कर अपने काफ़ी निपुण होते हैं वे लोग समाज में परिवर्तन परीक्षण और नवीन प्रक्रिया शुरू करने का गुण रखते हैं वैसे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते वे लोग समझा बुझा कर या झूठे वादे या धोखाधड़ी के सारे शासन करने की कोशिश करते हैं वे लोग काफ़ी घुसखोर भी होते हैं बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इस श्रेणी में इसको रखा जा सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड पेरेटो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट और विशिष्ट चालक की अवधारणा किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है कौन सा अवशिष्ट और विशिष्ट चालक की जो अवधारणा है ये विलफ्रेड पेरेडोजी ने प्रस्तुत की है उनकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि मानव के जो अतार्किक तथा अबुद्धि संगत जो व्यवहार को प्रेरित करने वाले जो भावनाएं वो उद, उद्वेगों को पर्यटो ने अवशिष्ट चालक की संख्या दी है मानव का जो व्यवहार होता है वो किस पक्ष में व्याख्या करता है ने चालकों के आधार पर इसकी बात की है आधुनिक समाजशास्त्री इसकी व्याख्या के लिए मूल्यों एवं सामाजिक मानदंडों का प्रयोग करते हैं पेरटों के अनुसार ये अवशिष्ट चालक मानव व्यवहार को संचालित एवं नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं विशिष्ट चालक या भ्रांत तर्क की अवधारणा का प्रयोग क्रियाओं के एक ऐसे व्यापक समूह के लिए किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारों की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं अपने आप को तथा तो अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है इन तर्कों का भ्रांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सामान्य मत के विपरीत और अतर्क संगत तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर होते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है विशिष्ट चालक की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता आपका नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते ये विशेषता नहीं है पेडोटो के अनुसार विशिष्ट चालक मनुष्य के भावों और महज प्रवृत्ति को प्रकटीकरण है यह मानव के अतार्किक तथा तो अबुद्धि संगत व्यवहारों को प्रेरित करता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन सीमा सिद्धांत किसने दिया है तो सी सोलुकिन महोदय ने सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उन्होंने बताया कि जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है और भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरा क्यों ना हो उसको विकसित होने के लिए एक सीमा होती है असोरों के लिए यह विचार सीमाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिमिट के नाम से उनको जाना जाता है ठीक है तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो आपकी जम के लिए होल हेल्पफुल रहेगा इसी प्रकार कार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू और आप लोगों ने कमेंट किया कि पेड ग्रुप बनाने के लिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाती हूँ उसमें आ, देखती हूँ उसमें नोट्स वे की व्यवस्था आप लोगों को आप लोगों तक कर सकती हूँ एक दो दिन का टाइम मुझे दीजिए मैं बनाने का इसका कोशिश करूँगी मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू